तो भाई कल आपने बहुत सारे चैनल पर एक अपडेट का वीडियो देखा होगा, मैंने भी बनाया था। वो अलग बात है, मैंने थोड़ा लेट बनाया था क्योंकि मैं कल था ही नहीं स्टूडियो में, शाम को आया था। तो यहाँ पे क्या है कि सभी ने ये बताया, इवन मैंने भी आपको बताया कि भाई अब आने वाले टाइम में जो आप म्यूजिक यूज करते हो अपनी वीडियो के अंदर, उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा या फिर आपको रेवेन्यू शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो आज इस अपडेट की मैं एक्चुअल रियलिटी आपको बताऊंगा कि यार ये अपडेट सच में फेक है या इसमें कितनी सच्चाई है। तो अगर आप एक यूट्यूबर है तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए तो, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ओनली टेक। सबसे पहली बात, ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूं? तो देखिए, कल सभी ने अपडेट आपको दिया और मैंने भी आपको दिया, तो हमने जितने भी कमेंट्स आए ना, लगभग बहुत सारे कमेंट्स को मैंने पढ़ने का कोशिश किया कि भाई कितने लोग क्या क्या डाउट पूछ रहे हैं। तो इस अपडेट को लेके बहुत ज्यादा डाउट लोगों के दिमाग में है। सबसे पहला डाउट तो यही है कि ये अपडेट फेक है। तो मैं आपको बता दूं भाई, अपडेट ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। जितने भी लोगों ने अपडेट दिया है सबने सही अपडेट दिया है। बहुत सारे लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है, मैं आज क्लियर कर दूंगा, पूरी रियलिटी बताऊंगा इसकी। तो देखिए, अपडेट ये सही है, 28 जुलाई को यूट्यूब ने अपना जो ब्लॉग होता है उनका, वहां पे ये लिख के बताया भी था। उसके बाद क्या होता है, मंगलवार को रात को क्रिएटर इनसाइडर एक चैनल है जहां पे यूट्यूब की न्यूज वगैरह आती रहती है, वहां पे उन्होंने इस न्यूज को कवर किया। अभी अपडेट एक्चुअल में सही है, अपडेट तो सही है, लेकिन ये कैसे है वो समझिए। बहुत सारे लोगों का एक और डाउट था कि सर अब हम फिर म्यूजिक यूज करना स्टार्ट कर दे, कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग यूज करे, अब तो क्लेम नहीं आएगा या फिर क्लेम आएगा तो हम पे जो रेवेन्यू है वो शेयर नहीं होगा। तो यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं आपको, अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस अपडेट को सुनकर आपको कोई म्यूजिक यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी भी कॉपीराइट क्लेम आएगा। आप पूरे अपडेट को पहले समझिए, उसके बाद यूज करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, YouTube ने यहाँ एक्चुअली में कहा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे YouTube ने लिखा है, एक्सपेंडिंग अवर पार्टनरशिप विद द म्यूजिक इंडस्ट्री टू गिव क्रिएटर्स मोर ऑप्शन टू इंक्लूड म्यूजिक इन देयर वीडियोज। यूट्यूब ये कहता है कि हम जो म्यूजिक इंडस्ट्रीज है उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि और ज्यादा म्यूजिक मिले क्रिएटर को यूज करने के लिए उनकी वीडियो में, समझ गए, यानी वो पार्टनरशिप अभी कर रहे हैं। इसके बाद लिखते हैं, वी आर स्टार्टिंग टू एक्सपेरिमेंट विद वेज टू ग्रो क्रिएटर्स म्यूजिक ऑप्शंस फॉर द देयर कंटेंट द इंक्लूड इंट्रोड्यूसिंग द एबिलिटी फॉर क्रिएटर्स टू एक्सेस अवर पार्टनर म्यूजिक व्हाइल स्टिंग बीइंग एबल टू अर्न रेवेन्यू ऑन देयर वीडियोस। यानी YouTube ये कह रहा है कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे लेबल से या कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री से बात करने के लिए, जब म्यूजिक जो है ज्यादा यूज कर पाएंगे क्रिएटर, यानी हम लोग ज्यादा यूज कर पाएंगे और जो उसका रेवेन्यू होगा ना वीडियो का, जो म्यूजिक हम यूज कर रहे हैं उसके बाद, अभी तक तो क्या होता है कि क्लेम आ जाता है तो सारा रेवेन्यू म्यूजिक कंपनी के पास चला जाता है, लेकिन उसके बाद रेवेन्यू जो है वो क्रिएटर का ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज उन्होंने क्लियर लिखी है, देखिए यहाँ पे लिखिए, नाउ वी आर स्टिल बिल्डिंग एंड टेस्टिंग विद ए लिमिटेड सेट ऑफ क्रिएटर्स। यानी कुल मिला के वो कुछ क्रिएटर के साथ अभी इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। इन्होंने लिखा है, एंड विल हैव मोर न्यूज टू शेयर इन द कमिंग मंथ्स, स्टे ट्यून्ड। यानी कुल मिला के बात ये है कि भाई अभी आपको ऐसे म्यूजिक यूज नहीं करने हैं जो कॉपीराइटेड है, क्योंकि यूट्यूब एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है अभी और कुछ क्रिएटर्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट होगा जहां पे वो म्यूजिक यूज करेंगे और या तो उनको क्लेम देखने को नहीं मिलेगा या फिर उनका रेवेन्यू शेयर नहीं होगा। लेकिन अभी ये अपडेट कोई भी रोल आउट नहीं किया गया है। पहली बात, ये अपडेट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, किस तरह का म्यूजिक वो देंगे, क्या सभी म्यूजिक को हम यूज कर पाएंगे, ये भी एक सवाल था, डाउट था कि जितने भी म्यूजिक है बॉलीवुड के, चाहे वो टी सीरीज का हो, टिप्स का हो, सारे गामा का, तो चाहे सभी हम यूज कर पाएंगे या कुछ ही म्यूजिक होगा, तो इसका भी क्लियर नहीं है। YouTube आने वाले टाइम में हमको न्यूज देगा इसके बारे में, बताएगा, जब बताएगा तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ये अपडेट एक्चुअली में कैसे रोल आउट हुआ है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट होते हैं और एक्सपेरिमेंट बाद में रोल आउट होते हैं वो अलग तरीके से भी हो सकते हैं, कभी कभी सेम हो जाते हैं, कभी कभी अलग तरीके से होते हैं, तो अभी आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। अब बात आती है कि सर क्या ये सच में गुड न्यूज है? तो देखिए भाई, गुड न्यूज तो है, YouTube ने कम से कम ये तो सोचा है कि हाँ यार म्यूजिक यूज करते हैं थोड़ा बहुत सेकंड का तो उनका सारा रेवेन्यू म्यूजिक कंपनी के पास चला जाता है क्रिएटर का, तो कम से कम रेवेन्यू क्रिएटर को मिले। YouTube ने इस बात को लेकर एक इनिशिएटिव तो लिया है, तो ये क्रिएटर के लिए गुड न्यूज तो है, लेकिन ये रोल आउट किस तरीके से होगा, कितना म्यूजिक हम यूज कर पाएंगे, क्या सभी म्यूजिक यूज कर पाएंगे या कुछ म्यूजिक होंगे उसमें कुछ ही गाने होंगे, वो अभी कुछ पता नहीं है। तो जब तक ये रोल आउट नहीं होता पूरी तरह से अपडेट, अभी आपको कोई म्यूजिक यूज नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आपको क्लेम भी मिलेगा और रेवेन्यू भी शेयर हो जाएगा। तो आई थिंक जितने भी कमेंट्स में डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।